अब आपको Google Play Console में $25 देने की जरूरत नहीं है, उसका बहुत ही अच्छा एक ऑल्टरनेटिव आ चुका है अगर आप अपनी Android एप्लीकेशन को पब्लिश करना चाहते हैं तो। आज से 9 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये बताया था कि आप अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल एंड्रॉयड ऐप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें मल्टीपल फीचर्स बताए थे। अब उसी ऐप को हम एक ऐप स्टोर के अंदर पब्लिश करेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में। पर उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। अपनी इसी वेबसाइट को मैंने एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट करा था जिसके अंदर आपको काफी सारे सॉफ्टवेयर प्लगइन्स और थीम्स मिल जाएंगे ओरिजिनल लाइसेंस के साथ, और ये सारी चीजें मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो में बताई थी। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अब आपने अपने एंड्रॉयड ऐप को कैसे डाउनलोड करना है एंड्रॉयड स्टूडियो से। उसके लिए आपने बिल्ड में जाना है, यहाँ पे लिखा है जनरेट साइंड बंडल APK, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन मिलेगी। बाय डिफॉल्ट आप इसी पे टिक रहने दें क्योंकि इसमें अगर आप अपनी APK जनरेट करते हैं तो आपकी APK का जो साइज होगा वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप APK में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी को ही सिलेक्ट रहने दें। अब वो आपकी चॉइस है किस में करना चाहते हैं, मैं इसी में रहने दूंगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्रिएट न्यू की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आपने पाथ देना है। जब तक आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, आपको ये पाथ वहीं पे देना है जहां पे आपने फोल्डर्स क्रिएट करे थे। यहाँ पे छोटा सा फोल्डर का साइन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और मैंने वी स्किल फोल्डर को सिलेक्ट करा और यहाँ पे ऊपर आप नाम दे दे कि जिससे आपके लिए बाद में समझना ईजी होगा। सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दोनों जगह पासवर्ड डालना है, प्लस नीचे भी आपको दोनों जगह पासवर्ड डालना है। ये चारों पासवर्ड सेम हो सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आप एक नाम दे दें, मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ वी स्किल ऐप और उसके बाद ओके के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। बाय डिफॉल्ट इसने नीचे भी ये पासवर्ड ले लिए और नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगी, तो हम सेकंड वाली ऑप्शन रिलीज को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे आप देख रहे हैं मेरा बंडल क्रिएट हो रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे नीचे आपको लोकेट की ऑप्शन दिख रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, एक ही फोल्डर के अंदर आप अपनी सारी फाइल्स रखें जिससे आपके लिए समझना ईजी होगा। यहाँ से आप इसे रीनेम कर दे, जो आपकी वेबसाइट का नाम है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरी AAB फाइल है और APK दोनों फाइल है, पर ये वाली फाइल मेरी जो ऐप स्टोर में आपको बताने वाला हूँ वहां पे जाके ये पब्लिश होगी। जो APK फाइल है उसको मैं कहीं पे भी शेयर कर सकता हूँ पर वो ऐप स्टोर या फिर प्ले कंसोल के अंदर अपलोड नहीं होगी। अब आपको फिर से गूगल में जाना है और वहां पर लिखना है ऐप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। किसी भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बस फर्स्ट लिंक था, मैंने क्लिक करा और डायरेक्ट ये पेज ओपन हो गया। सबसे नीचे लिखा है स्टार्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने ऐप का नेम देना है, मैंने एग्जांपल अभी आपको वी स्किल का दिखाया था पर मैं अपलोड कोर्सेज वाली फाइल करूंगा क्योंकि उसके मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट सेव है, उसके डिस्क्रिप्शन सेव है, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे ऐप नेम डाल दिया, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है और इसको बाय डिफॉल्ट आज की ही डेट रहने दे अगर आप आज की डेट में इसे पब्लिश कर रहे हैं, मतलब अपनी ऐप को पब्लिश कर रहे हैं। और क्या आपकी एप्लीकेशन ईमेल, यूजर आईडी, एज, जेंडर या कोई भी ऐसी और इंफॉर्मेशन, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्या आपकी एप्लीकेशन आपके व्यूअर्स, आपके यूजर्स से ले रही है, तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपकी एक नॉर्मल ब्लॉग वेबसाइट है या फिर ये किसी तरह की सिंपल सी वेबसाइट है जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, कोई फॉर्म फिल नहीं करवा रहे, साइन अप की ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे नथिंग लिखेंगे। नथिंग लिखने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्या ये फ्री है या फिर ओपन सोर्स है, फ्रीमियम है, कमर्शियल है? मेरी एप्लीकेशन फ्री है तो मैं इसको फ्री में रहने दूंगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा। अब यहाँ से आपकी एप्लीकेशन कौन सी है, मेरी सिर्फ एंड्रॉयड है तो मैं एंड्रॉयड रहने दूंगा। उसके बाद कोई कंपनी है या इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अब यहाँ पे आपको डिस्प्ले नेम देना है तो मैं डिस्प्ले नेम दे दूंगा कोर्सेज और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आप कौन सी थर्ड पार्टी सर्विस का यूज कर रहे हैं, आपको यहाँ अच्छी खासी लिस्ट मिल जाएगी। क्या आपने एडमॉब या फिर फेसबुक के आईडी यूज कर रहे हैं, फायरबेस की नोटिफिकेशन यूज कर रहे हैं, तो उनमें से किसी एक ऑप्शन को, यहाँ अगर सब कुछ यूज कर रहे हैं तो उन सारी ऑप्शंस को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ना तो मैं प्ले स्टोर का यूज कर रहा हूँ, एडमॉब का, गूगल एनालिटिक्स का मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे टिक करूंगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से जो जो ऑप्शन आप यूज कर रहे हैं उसको आप टिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब नीचे आपको तीन ऑप्शन मिल रही है, यहाँ पे लिखा है प्राइवेसी पॉलिसी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप HTML में भी इसके कोड को कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रीव्यू में जाके यहाँ से डायरेक्ट आप सारा कॉपी करें। पर एक चीज का ध्यान रखें, लास्ट में प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर का लिंक है, इसको आप इग्नोर कर दें।
यहां से कॉपी करें। अब वर्डप्रेस या ब्लॉगर, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, उसके अंदर जाके आपने एक पेज क्रिएट करना है। वो टाइटल में लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी, और जो आपकी एप्लीकेशन का नाम है वो यहाँ पे डालेंगे, और जो आपने कॉपी करा था वो सारा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और पब्लिश के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज रेडी हो चुका है। यहाँ से मैं व्यू पे क्लिक करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बारी आती है उस ऐप स्टोर की, जहाँ पे आप फ्री में अपनी APK फाइल को, मतलब एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं। फोन पे का ही इंडस ऐप स्टोर है, जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपने गूगल में जाना है, इंडस ऐप स्टोर लिखना है। ये जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही है फॉर डेवलपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पेज में आएंगे। दो ऑप्शन है, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। मैं इंडिविजुअल हूं तो मैंने इसको सिलेक्ट करा। आप ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे ऊपर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री सिलेक्ट करेंगे। अब पोस्टल एड्रेस डालना है, जहां पे आपका ऑफिस है या घर है उसका पोस्टल कोड डालेंगे, प्लस यहां पे एड्रेस डालना है, और दोनों जगह सेम पासवर्ड डालेंगे, जिससे आप इंडस ऐप स्टोर को लॉग इन कर सकते हैं। और इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद रजिस्टर नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके ईमेल आईडी में एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे अगर सेम ब्राउजर में ओपन है। मेरा दूसरे ब्राउजर में ओपन था, तो इसलिए मैंने लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आपसे ये ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछ रहा है, जो आपने इंडस ऐप स्टोर के अकाउंट को क्रिएट करते हुए बनाया था। और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है ये फोन पे का प्रोडक्ट है। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से आपने लॉग इन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा इंडस ऐप स्टोर का इंटरफेस ओपन हो चुका है। उससे पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, पर वेरीफाई भी कुछ ही देर के अंदर हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रही है डेवलपर पेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आप देखेंगे ईमेल वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आप कोशिश वो करें कि आप अपना वो वाला मोबाइल नंबर डालें जिससे आपका फोन पे ऑलरेडी कनेक्ट है। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है, और जो आपके मोबाइल पे OTP आएगा उसको आप यहाँ पे टाइप करेंगे, और वेरीफाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे एक वेरीफाई नाउ का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे ऊपर आपने अपना पैन नंबर डालना है, उसके बाद नेम ऐड करना है जो पैन नंबर में लिखा है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगी, वोटर और ड्राइविंग लाइसेंस। किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से वोटर आईडी को सिलेक्ट करूंगा, और वोटर आईडी में जो नंबर लिखा होता है आपने यहाँ पे उसे ऐड करना है। ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन का देखो मैसेज भी आ गया, और उसके बाद यहां से मैं इसे क्लोज कर दूंगा। यहां पर आप देखेंगे तीनों जगह टिक हो गया। इंडस के अंदर जो ऐप स्टोर की वेरिफिकेशन थी मेरी कुछ ही सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर अपना ऐप अपलोड करेंगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको उसके साथ साथ बताता रहूंगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा है लिस्ट न्यू ऐप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने ऐप का टाइटल देंगे, आपका ऐप किस नाम से है, और यहाँ पे आप आइकन को सिलेक्ट करेंगे, जो 2 MB तक उसका साइज होना चाहिए, एक्सपेक्ट रेशियो 1:1 की होनी चाहिए। चूज पिक्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है, और अपने आइकन को सिलेक्ट करोगे। अब आपकी एप्लीकेशन है या फिर गेम, आपने वो सिलेक्ट करना है। मेरी एप्लीकेशन है, मैंने एप्लीकेशन को सिलेक्ट करा। कौन सी कैटेगरी है, यहाँ से आप उसे सिलेक्ट करोगे। और क्या आपकी एप्लीकेशन में बैंकिंग ऐप्स है, COVID-19 रिलेटेड कुछ ट्रैकिंग है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, या फिर कोई भी अगर ऐसी ऑप्शन है तो उसको आप टिक करें, नहीं तो नन ऑफ द अबव के ऊपर आपने क्लिक करना है। किस एज ग्रुप को आप टारगेट करना चाहते हैं, कि आपकी एप्लीकेशन कौन से एज ग्रुप के लोग देखे, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आप ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं, और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन की आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड करने हैं। 2 से लेके 8 इमेजे तक, कम से कम 2 और मैक्सिमम 8 होनी चाहिए, जिनके डायमेंशन नीचे मेंशन है। मैंने यहाँ पे 4 इमेजेस को सिलेक्ट करा, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को मल्टीपल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो जनरेट ऑल लैंग्वेज पे करें, नहीं तो जनरेट हिंदी पे करें, जिससे आपकी सारी डिटेल्स नीचे हिंदी में शो करने लग जाएगी ऑटोमेटिकली, पर उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फिर से सारे स्क्रीनशॉट ऐड करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहे, तो यहाँ से आपने इसको नीचे करना है और स्किप के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस मिल रही है, और सबके आगे स्टार बना है, मतलब ये मैंडेटरी है। आपके पास वेबसाइट भी होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए, ईमेल आईडी भी होना चाहिए, और प्राइवेसी पॉलिसी जो स्टार्टिंग में हमने जनरेट करा था वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे।
सबसे पहले आप यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे, सेम वही ईमेल आईडी दे जिससे आपने इंडस ऐप स्टोर का अकाउंट बनाया था, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देना है, वेबसाइट का यूआरएल देना है और उसके नीचे प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल। ये वही वाला यूआरएल है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट करा था और जिस वेबसाइट पे क्रिएट करा था उसे ही कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद पेज को थोड़ा सा आप नीचे करेंगे। अब आपकी एप्लीकेशन कौन कौन सा डाटा कलेक्ट करती है वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। अगर इसमें से कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन मिल रही है, APK और AAB, जिसका मैक्सिमम साइज लिमिट 4GB की है। उस फाइल को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैं AAB वाली फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी फाइल की अपलोडिंग फिनिश हो चुकी है और फाइल यहाँ पे मेरी अपलोड हो गई। अब पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे, अब की स्टोर की यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, उसके लिए ऐड की स्टोर के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से चूज फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने यहाँ पे दोनों जगह सेम पासवर्ड डालना है और एलियास को ऐड करना है। यहाँ पे जो दो पासवर्ड डाले थे और एलियास, यहाँ से इसे आपने कॉपी करना है और यहाँ पे जाके आपने पेस्ट करना है और दोनों जगह सेम वही पासवर्ड डालेंगे जो आपने यहाँ पे ऐड करे थे। ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद लास्ट में आपको सबमिट की ऑप्शन मिल रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा ऐप सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये मेरा रिव्यू में चला गया। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो यहाँ पे स्टेटस मेरा एक्टिव हो जाएगा। पर इसको आप अपने एंड्रॉयड के अंदर कैसे देखेंगे, क्योंकि प्ले स्टोर के अंदर आपको ये इंडस ऐप स्टोर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, थर्सडे 9th में मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था और मैंने देखा कि मुझे एक ईमेल आया है इंडस ऐप स्टोर की तरफ से और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे जो कोर्स एप्लीकेशन है वो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और 24 घंटे के अंदर लाइव हो जाएगी। 6:53 लगभग 7 बजे के आसपास मुझे मैसेज आया था और 5 बजे के आसपास मैंने अप्लाई करा था। 2 घंटे के अंदर मुझे अप्रूवल मिल गया और यहाँ पर आप स्टेटस मेरा देखेंगे एक्टिव हो चुका है। अब फ्यूचर में मुझे इस फाइल को अपडेट करना है या कि अपनी डिटेल्स एडिट करनी है तो मैं इसका इजिली यूज कर सकता हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडस ऐप स्टोर को आप अपने मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करेंगे। आपने अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर गूगल में जाना है और वहाँ पे इंडस ऐप स्टोर लिखना है। आप ही जो फर्स्ट लिंक देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है डाउनलोड इंडस ऐप स्टोर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपने ओपन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से नोटिफिकेशन को आप अलाउ करेंगे, कौन सी लैंग्वेज में आप इसे ओपन करना चाहते हो वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना फोन पे वाला नंबर डालना है। अगर आपके पास फोन पे नहीं है तो भी आप अपना कोई दूसरा नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं और आपका OTP अपने आप ये फेच कर लेगा। फेच करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप इसे अलाउ करेंगे। अगर आपके पास Xiaomi या Redmi के फोन है तो इस तरह की एक नोटिफिकेशन आएगी, आपको यहाँ कुछ सेकेंड वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप ओके करेंगे। यहाँ से मैंने बैक करा, ये आपसे लोकेशन मांग रहा है, अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो डोंट अलाउ कर दे। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्ले स्टोर की तरह आपके पास एक इंडेक्स का ऐप स्टोर आ गया जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं।